अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के नंद प्लाजा में आज शाम एक मोबाइल के शोरूम में दो गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई। लड़ाई का मुख्य कारण आपसी रंजिश थी। दोनों पक्षों में काफी दिनों से बहसबाजी चल रही थी। पीड़ितों का कहना है कि दूसरा पक्ष उन्हें दुकान खाली करने की धमकी दे रहा था और आज शाम दुकानदार के बेटे पे दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान चाकू लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई होती रही। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, पर तब तक मामला शांत हो चुका था। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है पीड़ित परिवार का। भैया मेरा लड़का अकेला, इनकी है 5-6 दुकानें कॉम्प्लेक्स में, ये हमारी दुकान खरीदना चाहते हैं कि तुम दुकान हमें बेच दो। आए दिन मेरे बेटे के साथ ये झगड़ा करते हैं। कौन लोग हैं, क्या ये GS गौरव सौरभ GS वाले मेरे लड़के को आए दिन मारने के लिए चढ़े रहते हैं। अभी 10-20 दिन पहले इन्होंने गुजरों के लड़के को भी बुला लिया था सम्राट को पीटने के लिए। उस दिन भी इन्होंने हाथापाई करी, हम उस दिन भी बीच बचा, हम तो चुप रह गए। हम ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमेशा आए दिन मेरे बच्चे पर हमला करते रहते हैं। आज क्या हुआ था, आज क्या पूरी घटना हुई थी? आज तो कुछ बात ही नहीं हुई, मेरा बच्चा तो बुखार से आया है, कुछ भी बात नहीं हुई। क्या भी बात था, ये झगड़ा है मेन कारण है कि हमारी दुकान को लेना, किसी भी तरीके से उस पर टोंटिंग करना। कभी कोई ग्राहक हमारे पास आ गया, इनकी दुकान छोड़ के अगर वो हमारे पास आ गया तो इसे दुकान को ढक देंगे इधर से कि हमारी दुकान के बारे में, हम तेरी दुकान को ढक देंगे कि हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ये भी सच है कि हम इनके सामने नखून भी नहीं है, ये भी सच है कि हम इनके सामने नखून भी नहीं है। लेकिन मेरा भी अकेला बेटा, मैं चाहता हूँ कि ये लाखों कमा रहे हैं, अगर पूरे महीने में हमारा बच्चा 10-20 हज़ार भी कमा रहा है तो ये सोच कर कि भाई चलो अपना बच्चा अपने टाइम से स्टैंड हो रहा है, ठीक है, मुझे बेच के क्या मिलेगा। काम करा 50-60 जने इनके यहाँ काम करते हैं, 50-60 जने इनके यहाँ काम करते हैं। जैसे मैं आया तो मैंने देखा मेरे बच्चों को सारे मिलकर पीट रहे हैं, तो जैसे ही मैंने बचाने की कोशिश करी, वो जो लकड़ी का डंडा सा होता है बैट सा बोलते हैं, इन्होंने मेरा भी मारा बाहर जा करके। मैंने कहा ये क्या, फिर भी मैंने बचाने की कोशिश करी, बीच में 50-60 आदमी इनके स्टाफ पे आ गए, अंदर तक घुस के शीशा भी फोड़ रहे हैं और बास्केटबॉल मारे और जो बोर्ड वगैरह है वो मारे। तो मैंने कहा यार ये क्या, तुम लोग कौन हो भाई, तुम्हें जानता भी नहीं कौन हो, पता नहीं कहाँ के, तो मुझे क्या पता है तो इनके स्टाफ के आदमी है सारे के सारे, कहते हैं दुकान खाली करवा के छोड़ेंगे। हाँ रुको भैया, तो हमारी दुकान को किसी भी कीमत पर ये चाहते हैं कि ये बेचा, ये खाली कर दे या बंद कर दे। अब भाई मैं बताऊँ, मैं एक अकेला अपने बच्चे को ये चाह रहा हूँ, स्टैंड हो रहा है, ठीक है चलो ठीक है, अब इसे बेच कर मैं दूसरी जगह जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या ना करें। अब पुलिस आई थी क्या, आपने कोई लिखित भी दिया, लिखित में कोई शिकायत दी है? अभी तो हमने कोई लिखित इतना कुछ कर नहीं पाया, सोच रहे हैं क्या करना है। खैर पुलिस आगे, बच्चे ने हमारे फोन कराया, किसी और व्यक्ति ने 100 नंबर ने कराया, ऐसी बात है। अब जाने थाने बच्चा क्या, इसमें किसी के आपके लड़के की चोट भी आई है, किसी और की चोट भी आई है? हमें कुछ नहीं पता, हमारे लड़के को तो और बुखार हो रहा है, नर्वस हो रहा है वो तो। हाँ इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।